नमस्कार दोस्तों, ये आस्क योर डॉक्टर का एपिसोड नंबर 46 है। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आस्क योर डॉक्टर के एपिसोड में मैं उन क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ जो आप यूट्यूब में सप्ताह भर मैसेज करते हो और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिसको लगता है कि मुझे आंसर देना चाहिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो उन क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर देता हूँ दोस्तों। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है रूप कुमार जी की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि एलोपेशिया के लिए, गंजापन के लिए R89 बेस्ट है या क्लार्क हेयर फॉर्मूला बेस्ट है। दोस्तों R89 गंजापन के लिए और खासकर एलोपेशिया के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर गंजापन है, मतलब यहाँ पर पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो R89 को आप लगाइए 2 बार सुबह और शाम को, और 2 बार पीना है खाना खाने के आधे घंटे बाद। आधा कप पानी ले लीजिए, R89 20 बूंद डाल दीजिए, 1 बार दोपहर में और 1 बार रात में, 2 बार लगाइए, 2 बार पीजिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है गंजापन के लिए, एलोपेशिया के लिए। क्लार्क हेयर फॉर्मूला ज़्यादातर अगर आपके बाल हैं लेकिन बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आगे चल के गंजापन ना हो, तो क्लार्क हेयर फॉर्मूला बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। क्लार्क हेयर फार्मूला ना सिर्फ गंजेपन को रोकती है, ये प्री मैच्योर ग्रे हेयर, मतलब जो बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, उसको भी रोकती है। तो अगर आपके सर में बाल हैं, बहुत झड़ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तो क्लार्क हेयर फार्मूला यूज़ करिए। अगर गंजापन है तो R89 यूज़ करिए। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया हो। दूसरा सवाल है अजय विश्वकर्मा जी का। वो पूछ रहे हैं कि अगर रक्सटॉक्स को एंटीडोट करना है तो रक्सटॉक्स 30 यूज़ करना होगा या रक्सटॉक्स 1 mg यूज़ करना होगा। वो रक्सटॉक्स 1 mg को एंटीडोट करना चाहते हैं। दोस्तों अगर किसी हायर पोटेंसी को आपको एंटीडोट करना है, एंटीडोट का मतलब ये होता है कि उस पोटेंसी में जो आप दवा ले रहे हैं उसके असर को आपको अगर ख़त्म करना है तो क्या करना है, तो उसकी लोअर पोटेंसी आप यूज़ करिए। तो इस कंडीशन में अगर आप 1 mg पोटेंसी यूज़ करते हैं तो आप 200 या 30 पोटेंसी रक्सटॉक्स की यूज़ करिए, जिससे रक्सटॉक्स एंटीडोट हो जाता है। दोस्तों तो एक सवाल इससे ही जुड़ा है और अजय जी का ही है। वो पूछ रहा है कि यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है। दोस्तों ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जो कि यूनिवर्सल एंटीडोट हो, तो कोई भी मेडिसिन नहीं होती। अगर किसी से आपको एग्रवेशन हुआ है, मान लीजिए सल्फ़र से हुआ है, रक्सटॉक्स से तो होता नहीं है, लेकिन अगर आपको सल्फ़र से एग्रवेशन हुआ है तो सल्फ़र लोअर पोटेंसी मिलेंगे तो ठीक हो जाएगा। मान लीजिए आपने खुजली के लिए सल्फ़र 1 mg पोटेंसी में 2 बूंद पी, खुजली हल्का सा बढ़ गया है, तो 6 CH पोटेंसी में यूज़ करेंगे तो खुजली ठीक हो जाएगा। दोस्तों एक सवाल है भास्कर गुप्ता जी का। वो पूछ रहे हैं कि टॉपिथूजा क्रीम, एक्चुअली में टॉपिथूजा क्रीम एक ऐसी क्रीम है जिससे वॉट्स जाते हैं, वॉट्स में टॉपिथूजा क्रीम लगाते हैं, इसमें थूजा मदर टेंचर डली हुई होती है। तो टॉपिथूजा क्रीम अगर आपको यहाँ पर वॉट्स हैं या यहाँ पर वॉट्स है तो आप पलकों में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, उनका ये सवाल है। और ये भी सवाल है कि अगर आँखों में लग जाता है तो क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले आँखों में अगर लग जाता है तो आँखों में जलन होगी, हल्का सा चुभन होगा, ऐसे आप पानी डाल देंगे तो ठीक हो जाएगा, मतलब इसका कोई परमानेंट आंखों में दिक्कत नहीं होगी। उस समय जब टॉपी बर्बेरिस क्रीम या कोई भी क्रीम आंखों में लगती है तो जलन हो सकती है। दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि पलकों में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो अगर आप बिल्कुल आराम से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मतलब बिल्कुल आराम से आप ऐसे करके लगाना चाहें जिससे आँखों में ना लगे, क्योंकि आप बंद कर देंगे और लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आँखों में नहीं लगता है। तो आराम से लगाना चाहें तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में 3 बार लगाइए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं टॉपिथूजा क्रीम के वॉट्स में। दोस्तों तो एक सवाल है कुणाल सिंगल जी का। वो पूछ रहे हैं कि नक्स वोमिका और इपीकॉक में उल्टी के लक्षण में क्या अंतर होता है। तो अगर मुझे उल्टी आ रही है तो मुझे नक्स वोमिका लेना चाहिए या इपीकॉक लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा मितली हो रही है, एक बार उल्टी करने के बाद फिर भी उल्टी करने का मन कर रहा है और दोबारा उल्टी आ रही है, पेट में कुछ भी नहीं है फिर भी उल्टी करने का मन कर रहा है और उल्टी आ रही है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है इपीकॉक। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा चुके हैं, पार्टी में जा चुके हैं, उसके बाद आपने नॉन वेजिटेरियन खाना खा लिया है या अल्कोहल भी पी लिया है, उसके कारण पेट बिल्कुल भर गया है और पच नहीं रहा है, गैस बन रही है, इसके कारण उल्टी आई है, तो नक्स वोमिका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला था चिकनगुनिया
और साथ में डेंगू फीवर के प्रिवेंशन के लिए उसकी मेडिसिंस के बारे में बताया था और क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, काफ़ी कुछ उसमें बताया था। तो आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ। दोस्तों उसी में एक क्वेश्चन है कि यूपेटोरियम पर्फ 200 में यूज़ करना चाहिए या 30 में यूज़ करना चाहिए प्रिवेंशन के लिए बच्चों के। तो अगर बच्चों को देना है, उनको चिकनगुनिया ना हो और डेंगू ना हो, तो यूपेटोरियम पर्फ 200 में दें या 30 में दें। दोस्तों ये क्वेश्चन है हरपाल सिंह जी की तरफ से। दोस्तों बच्चों को भी यूपेटोरियम पर्फ 200 में देना चाहिए, लेकिन दो बूंद की जगह एक बूंद देना चाहिए। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप चाहते हैं उन्हें चिकनगुनिया ना हो या डेंगू ना हो, इस समय बहुत फैला है, तो एक बूंद डायरेक्टली टंग में उसे पीना है, सुबह सुबह डेली पीना है। अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा डेंगू या चिकनगुनिया है तो जब तक ये फैला हुआ है तब तक इसे पीना है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर सर्दी खांसी बुखार हल्की होगी वो भी इसी से ठीक हो जाएगी। दोस्तों एक क्वेश्चन अजय विश्वकर्मा जी की तरफ से ही है। वो पूछ रहे हैं कि जो इचिनेशिया है वो इम्यून बूस्टर नहीं हो सकता। उनका तर्क ये है कि इचिनेशिया लेने के बाद एलर्जी उनकी ठीक नहीं हुई। दोस्तों जब हमारा इम्यून सिस्टम, जब हमारा रोगों से लड़ने वाला जो सिस्टम होता है वो इरेगुलर रिस्पॉन्स करने लगता है। मान लीजिए कि अगर किसी बैक्टीरिया से मेरे इम्यून सिस्टम को लड़ना है तो मेरा इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया से लड़ने के बजाय अब मेरे बॉडी को ही वो बैक्टीरिया समझ ले और उसी से लड़ने लगे और मुझे उस कारण सिम्टम्स महसूस हों, लक्षण महसूस हों, तो इसको एलर्जी बोलते हैं। दोस्तों इस कंडीशन में अगर आप इचिनेशिया लेंगे तो इचिनेशिया इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, लेकिन जो आपकी इरेगुलर इम्यूनिटी है उसको ये ठीक नहीं करेगा। तो इचिनेशिया इम्यून को बूस्ट करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन एलर्जी के लिए इतनी इफ़ेक्टिव मेडिसिन नहीं है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर आपकी एलर्जी ठीक नहीं हुई है तो इचिनेशिया काम नहीं करती है, क्योंकि इचिनेशिया एलर्जी की मेडिसिन है ही नहीं, तो इचिनेशिया काम नहीं करती है। एक सवाल है सुनील कुमार जी की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि 5 ईयर के बच्चों के लिए क्या डोज होगा यूपेटोरियम पर्फ का अगर चिकनगुनिया या डेंगू से प्रिवेंशन करना है। तो इस वीडियो में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक बूंद सुबह सुबह आपको यूज़ करना है, बच्चों को देना है। दोस्तों तो एक वीडियो मैंने फेस वॉट्स के ऊपर डाला था, उसमें मैंने मेडिसिंस बताई थी बहुत सारी। उसी में एक क्वेश्चन है रोहित जी के तरफ से। एक्सलेंट इन्फॉर्मेशन सर। सर क्या ये मेडिसिन मोल्स के लिए भी इफ़ेक्टिव है, बेनिफिशियल है अगर बॉडी में मोल्स होते हैं? दोस्तों बिल्कुल ये मेडिसिन मोल्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर शरीर में कहीं भी मोल्स होते हैं तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, आपको आराम लग जाएगा। दोस्त इसी में एक क्वेश्चन है नजीम जी के तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि क्या ये ट्रीटमेंट बॉडी में कहीं भी मस्से होते हैं उसके लिए इफ़ेक्टिव है? तो हाँ बिल्कुल, अगर आपके बॉडी में कहीं भी मस्से या वॉट्स होते हैं तो उसके लिए भी जो मैंने फेस वॉट्स की मेडिसिन बताई है वो इफ़ेक्टिव है। और वॉट्स के लिए भी एक वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, तो उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा, वो मेडिसिन भी इफ़ेक्टिव है। आमतौर पे थूजा बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है वॉट्स के लिए। तो थूजा 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम लेना चाहिए और कॉस्टिकम 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम लेना चाहिए। दोस्तों उसी से मिलता हुआ सवाल रहमान जी के तरफ से है। सर क्या बच्चों के लिए क्या डोज होगा? तो देखिए बच्चों के लिए एक बूंद आप दीजिए। अगर मेरा कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो उसमें जो डोजेस रहते हैं उसको आधा कर दीजिए। तो जहाँ पर मैंने 2 बूंद बोला है उसको 1 बूंद कर दीजिए, जहाँ पर मैंने 20 बूंद बोला है उसको 10 बूंद कर दीजिए। दोस्तों एक सवाल है शाहरुख खान जी के तरफ से। सर अगर किसी बच्चे का सर्दी बढ़ा हो या उसे सर्दी हो तो क्या ई चाइल्ड इम्यून फार्मूला दे सकते हैं, इससे सर्दी ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, ई चाइल्ड इम्यून फार्मूला सर्दी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है बच्चों के लिए। तो इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी और जो सर्दी है उसको भी ठीक करेगी। एक बूंद सुबह, एक बूंद दोपहर में और एक बूंद शाम को दीजिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाला था हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी पावर एंड कंसंट्रेशन बाय होम्योपैथिक मेडिसिन। इसमें मैंने एक ब्रेनोलाइफ सिरप के बारे में बताया था जो कि बहुत ही अच्छी सिरप है, मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ, अपने पेशेंट्स को देता हूँ। तो वो सिरप पूछ रहे हैं कि कब तक यूज़ करना है हर्षल चौधरी जी। दोस्तों अगर आपकी मेमोरी कम है तो ब्रेनोलाइफ सिरप 1 ढक्कन सुबह दोपहर शाम लीजिए और कम से कम 3 से 4 महीने
ज़रूर यूज़ करिए। एक सवाल है राजकुमार जी का, वो पूछ रहे हैं कि काली ब्रोम मेडिसिन नेचुरल मेडिसिन होती है, प्लांट किंगडम की मेडिसिन होती है। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि जहाँ भी नेचुरल मेडिसिन लिखी रहती है, क्या वो सिर्फ प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, क्या नेचर का मतलब प्लांट होता है? तो दोस्तों, नेचर का मतलब सिर्फ प्लांट नहीं होता, नेचर का मतलब होता है प्लांट, उसके बाद आपका अर्थ जिसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स आते हैं, उसके बाद एनिमल्स। तो जो भी आपको दिखता है आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, जो कि मैन मेड नहीं है, आदमियों ने नहीं बनाया है, वो होता है नेचुरल थिंग्स। तो रही बात काली ब्रोम की, तो काली ब्रोम दोस्तों मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाला था हाउ टू इंक्रीज द हाइट, और उसमें मैंने राइट हाइट और हाईटेक्स के बारे में बताया था। दोस्तों उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है अभिषेक राजपूत जी की तरफ से, वो पूछ रहे हैं कि ये मेडिसिन रिएक्शन तो नहीं करती, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते? बिल्कुल इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों, आप आराम से 2 से 3 साल ये दोनों मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है, अगर आप लड़के हैं, और 20 साल से कम है अगर आप लड़की हैं, तो ये मेडिसिन यूज़ करें, 1 साल 1.5 साल आपकी हाइट 100% बढ़ेगी दोस्तों। तो ये थे क्वेश्चन आज के और डॉक्टर के इस एपिसोड के। दोस्तों अब चलते हैं फटाफट से फीडबैक ले लेते हैं कि कौन कौन से अच्छे फीडबैक आए हैं इस सप्ताह में। तो एक सबसे अच्छा फीडबैक है अलीम अख्तर जी की तरफ से, वो बोल रहे हैं कि सर मैं आपका बताया हुआ मेडिसिन लेमिना माइनर और TMV ले रहा हूँ नेज़ल पॉलिप के लिए, 100% नेज़ल पॉलिप ठीक हो गया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। एक अच्छा फीडबैक है नम्रता जी के तरफ से, 1 महीने के अंदर उनके पिंपल्स चले गए बर्बेरियस एक्वाफोलियम यूज़ करने के बाद, 100%। तो थैंक यू सो मच इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। तो दोस्तों आस्क योर डॉक्टर का ये एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको इस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दीजिए तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।